उज्जैन बंडगर कोटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय गेहूं खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में पहले दिन में ही किसान अपने गेहूं की फसल लेकर पहुंचे और अपने गेहूं की फसल को बेचा। राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को अनाज मंडी और दूर ना जाना पड़े, उसी को लेकर गांव-गांव में शासकीय गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए, जहाँ पर किसान अपने गेहूं की फसल को बेच सकते हैं। उसी को लेकर शासकीय गेहूं खरीदी केंद्रों पर राज्य सरकार के निर्देश के बाद प्रत्येक वर्ष गेहूं की खरीदारी की जाती है, जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचते हैं और अपने गेहूं की फसल को बेचते हैं। यह जो गेहूं खरीदी केंद्र है, कहां पर स्थापित है और किस प्रकार से इसका शुभारंभ किया गया और क्या रहा? सेवा सरकार संस्था असलावदा के अंतर्गत कोठड़ी गाँव में उपार्जन केंद्र का कार्य चलता है। 5-6 गाँव के लोग यहाँ गेहूँ तोड़ते हैं। आप किस प्रकार से राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार यहाँ पर गेहूँ की खरीदी शुरू होगी, किस प्रकार से किसान यहाँ पर पहुँचेंगे और क्या रहेगा? शासन द्वारा SMS जारी होता है और हम सदस्य को खबर करते हैं और ट्राली लेके आते हैं और हम यहाँ तोड़वाते हैं। साथ ही अभी कोविड को लेकर कलेक्टर उज्जैन जिलाधीश के निर्देश है, किस प्रकार से उनको फॉलो किया जाएगा, किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा और किस प्रकार लगाया जाएगा, इसमें मास्क का उपयोग किया जाएगा। अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा पानी आने को लेकर किस प्रकार से किसान परेशान ना हो, सारी व्यवस्था है और सामने भी लगाया हुआ है, सेट करा हुआ है। किसानों को किस प्रकार से करेंगे निवेदन कि पहुँचे यहाँ पर अपनी फसल बेचे और क्या सरकार की योजना का लाभ लें, क्या रहेगा? सदस्यों को 2 दिन पहले उज्जैन से खाद्य विभाग अनुसार मैसेज आएंगे, उनको 8 दिन के अंदर उनको तोलना रहेगा। भाई साहब बताइए, इस गेहूं खरीदी केंद्र से किसानों को किस प्रकार से फायदे रहते हैं और किस प्रकार से किसान अपनी फसल बेचेंगे और क्या रहेगा? किसानों को जो शासन द्वारा ये गेहूं की खरीदी होती है, इसमें समर्थन मूल्य पर भाव का जो है अच्छा मूल्य मिल जाता है, इसलिए सभी किसान गेहूं यहाँ तोलते हैं। और सरकार की क्या मंशा है इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेच सके और इसका लाभ ले सके, क्या मंशा रहती है सरकार की? सरकार की ये मंशा रहती है कि कम से कम MSP जो है गेहूं का, उस पर तो कम से कम किसानों का माल तुले, मंडी में कम भाव में जो माल खरीदी बिक्री होता है उसकी जगह यहाँ पर जो है माल तुला जाए। करीब कितने गाँव के किसान यहाँ पर पहुँचेंगे? यहाँ पे 6 गाँव के किसान यहाँ आते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।